नमस्कार सभी बच्चों का फिर से 90 प्लस इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको फिर से बोला था कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट करवाया था एंड टुडे इज इट इज़ द प्रैक्टिस पार्ट टू। लेकिन मेरे सामने कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे। होप कि आप लोगों ने सबने ट्राई किए होंगे, और अगर ट्राई किए होंगे तो ये एक बार उनके क्वेश्चन आप लोग आंसर सुन के मैच कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1.806 इंटू 10 टू द पावर 23, क्वेश्चन नंबर 8.5 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर, द क्वेश्चन नंबर 9 इट इज बी पार्ट, ऑल द वेट्स ऑफ डिफरेंट गैसेज आर इक्वल। तो एक बार इन्हें चेक कर लें, कंफर्म करें एंड मूविंग टू द पार्ट टू ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, तो हमारे सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ है फर्स्ट वन, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो देखो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट मतलब हमें बताने नंबर ऑफ मोल्स, क्या चीज नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन के, कहां से मिल रहे हैं, बाय इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 108 ग्राम ऑफ वाटर। एक बार फिर से क्वेश्चन समझे, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मुझे पता लगाना है कि कितने मोल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे, कब, जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया जाए 108 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले ये तो पता हो ये इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है। तो शायद आपको एक चीज पता होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो वर्ड है वो इलेक्ट्रोलिसिस से आया है। इलेक्ट्रोलिसिस कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ वाटर की लूँ, तो जब इसमें करंट पास किया जाएगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सो व्हेन इन वाटर करंट इज सप्लाइड द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो इट डिकम्पोज इंटू टू पार्ट्स। वन मोल ऑफ वाटर के लिए अगर कहा जाए, एक सिंगल वाटर स्पीसीज अगर लिखी है और मैं उसको एक मोल की बात कर रहा हूं, तो एक मोल से हमें ये तो एक मोल मिल रहा है देखो, और यहां पे अगर मैं बैलेंस करूं तो ये आपका आधा आएगा, देखो ध्यान से आधा, इट इज हाफ मोल। तो आप सीधे ही निकाल सकते हैं, हो गया क्वेश्चन भाई, वन मोल ऑफ वाटर हाफ मोल ये दे रहा है। देखो चेक करो, वन मोल ऑफ वाटर कितना दे रहा, हाफ मोल। तो मैं लिख सकता हूं वन मोल ऑफ H2O, वन मोल ऑफ H2O विच मीन्स 18 ग्राम 18 ग्राम, क्योंकि वो आपको वेट प्रोवाइड कर रहा है वाटर का। तो इसका मास और उसके मोल से रिलेट करना है, इसका मास और उसके मोल। तो पहले मैंने मोल के थ्रू देखा, तो वन मोल ऑफ वाटर विच मीन्स 18 ग्राम मीन्स हाफ मोल ऑफ O2। चेक करें एक बार क्या मैंने ठीक लिखा है, मैंने मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अभी उस पर क्वेश्चन पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है, पहले आपको जनरल देखना है कि एक मोल वाटर कितना ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसका मतलब हुआ 18 ग्राम हाफ मोल देता है। तो आप देख लें, वन ग्राम विल रिलीज 1/18 मोल ऑफ O2, और हमें प्रोवाइड कर रखा है 108। तो इस हिसाब से आप सीधे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और होप कि आपका आंसर ये आपका 6 पे जाएगा और ये आपका 3 मोल इज करेक्ट आंसर, ठीक। सो हियर इट इज योर ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझें, तरीका देखें, बहुत सिंपल है माना कि, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और आप सीधे ही समझ सकते हैं, चेक करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वी नीड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल, किसका, वाटर का, वाटर के एक मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, मुझे निकालना है एक मॉलिक्यूल ने। तो ध्यान से देखा जाए, मुझे डेंसिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट किया जाए जिससे कि सीधा क्वेश्चन हो पाए। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन टू अस, मास ऑफ वाटर दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस। तो इक्वेट करेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो दिया हुआ है ना। तो इस हिसाब से जो आपका जो वन पार्ट अगर दे रखा है, सो इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ H2O इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O, ये दोनों वन से इंटू होगा, ये उधर जाएगा, तो वन मतलब ये वाला हिस्सा है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल जो होगा वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के बराबर होगा। तो ये तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, कैसे, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट ये चीज तो निकाल सकते हैं, कैसे, एज वन मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
कितना आसान हो गया। इतने सारे मॉलिक्यूल्स का जो आपका इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, 18 ग्राम आता है, और मुझे तो एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए। यहाँ से एक मॉलिक्यूल का मास निकालो और वही आपका वॉल्यूम भी है, सीधा दिख तो गया। तो ये हो गया आपका वन मॉलिक्यूल, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ऑफ एच टू ओ इज इक्वल 18/10^23, इट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ये हो गया आपका। सो दिस इज द मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो आंसर अगर देखूं यहां पे सीधे ही, हेंस वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल, वो आप आगे चेक कर लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट मानूं तो ये 3 पे आएगा, तो 3 × ये 3 पे जाएगा, 3 × 10^-23, ये -23। आप चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। दिस इज द फर्स्ट वन। तो जो आंसर ये आया ना मेरा, ये मेरा एक मॉलिक्यूल का मास भी है, और यही अगर मैं डेंसिटी को यूज करके निकालता तो यही मेरा क्या होता, वॉल्यूम। तो दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम, क्या चीज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है। तो अब तो आपको एक चीज समझ आ गई है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना बहुत ही आसान है, जिसको सीधे ही हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, या डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स। तो आप क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और सीधे ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, तो देखिए इस हिसाब से जब हमने ये देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, तो सीधे ही देखिए मैंने यहाँ पे मोल्स आपको दिखा रखे हैं। जैसे फर्स्ट वन ऑप्शन की बात करें तो 15 लीटर गैस है एट एसटीपी, तो आपको पता है कि इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप क्या करें, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम जो आपका एसटीपी पे एक मोल गैस का था। आपको शायद याद होगा फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, सिंस इट इज इन लीटर तो आप लीटर का ही फॉर्मूला लगा के ये मोल्स निकालेंगे। इन सिमिलर केस ऑफ बी, इन केस ऑफ थर्ड, मास दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मास आपको प्रोवाइडेड है तो आप मोलर मास लेंगे। तो मोलर मास H2, देखिए ध्यान से, गिवन मास आपका 0.5 और H2 हाइड्रोजन का एक सिंगल का मास 1 ग्राम लेते हैं एक मोल का, तो यहाँ पे 2 मोल यानी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए आपका 2 के साथ ये आपका 0.25 हो जाएगा। एंड थर्ड केस सेम रहेगा आपका, ऑक्सीजन O2 का जो मोलर मास होता है 32, तो 10/32। मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, सीधे ही आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स विच इज द फर्स्ट वन, तो आपका ये आपका आंसर रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से समझे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए जरा समझिए क्या कह रहा है। एक मिक्सचर है किसका, CO और CO2 का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। इन दोनों मिक्सचर की वेपर डेंसिटी, भाई ये शब्द आपने सुना होगा, वेपर डेंसिटी यानी कि वेपर फॉर्म में जो आपकी डेंसिटी है मिक्सचर की वो दे रखी है, वेपर फॉर्म में डेंसिटी दे रखी है 20 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर क्या कहता है कि अगर उसी मिक्सचर का 100 ग्राम वेट लिया जाए तो 100 ग्राम वेट में कह रहा है कि मोल्स बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 ग्राम में, अगर 100 ग्राम मिक्सचर में ले रहा हूं तो उसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, वो हमसे पूछा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, तो जरा चेक करते हैं कि क्या है पार्ट, क्योंकि सिंगल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो है नहीं, वो उसके साथ CO2 के साथ प्रेजेंट है, यानी 100 ग्राम के अंदर सारा हिस्सा इसका तो है नहीं, इसका भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करें, तो एक छोटा सा पार्ट समझते हैं कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, सपोज लेट एक्स ग्राम CO2 इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर, जरा फिर से देखिए मैं कहां से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे मोल्स निकालने हैं, मुझे मोल्स निकालने कार्बन डाइऑक्साइड के। अगर किसी तरीके से 100 ग्राम के अंदर इसका वेट पता लग जाए तो मैं सीधे ही मोल्स निकाल सकता हूँ इसके मोलर मास से डिवाइड करके। तो 100 ग्राम में
इसका कितना हिस्सा है, इसलिए मैंने लेट किया कि मान लो कि x ग्राम CO प्रेजेंट है 100 ग्राम के अंदर, ठीक है, तो इस हिसाब से वेट ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, ये दोनों का वेट है। अब एक और चीज, मोल्स ऑफ CO मिक्सचर के अंदर, मोल्स ऑफ CO इन मिक्सचर प्लस मोल्स ऑफ CO2 इन मिक्सचर इज इक्वल टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। शायद आपको ये वाली अगर बात पता लग जाए तो हो गया। तो मोल्स ऑफ CO, इसका x ग्राम वेट, तो इसका आपका जो CO का वेट होता है, आप मोलर मास अगर देखें तो इसका 16 और ये आपका 12, 16 और 12 के हिसाब से 28, चेक कर लीजिएगा, 16 और 12 के हिसाब से 28, ठीक है, प्लस CO2, उसका मास कितना है, डिवाइड बाय 44, इसका मोलर मास 44 होता है। अब एक और चीज, टोटल मास तो मुझे पता है, मोल से ही है, तो टोटल मास मिक्सचर का तो पता है, लेकिन टोटल मोलर मास तो दिया नहीं है, तो उसके लिए ये चीज प्रोवाइड कर रखी है ना, तो यहां से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला अलग से नोट भी कर सकते हैं, मोलर मास किसी भी पर्टिकुलर मिक्सचर का या कंपाउंड का ट्वाइस होता है वेपर डेंसिटी के। प्लीज ये वाला जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये हमेशा वैलिड होगा गैस के लिए, तो प्लीज मोलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्सचर का, ये वेपर डेंसिटी मिक्सचर की है भाई, ये CO और CO2 की नहीं है, इसलिए मैं मिक्सचर वाले में लिख रहा हूँ, इसलिए ट्वाइस मैं कर दूंगा, इसका मतलब 40। तो इस हिसाब से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व करने पर आप x की वैल्यू जब निकालेंगे इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर, इट शुड बी दिस मच 17.5 आएगी, और इस हिसाब से ये जो 17.5 आपका आएगा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द वेट ऑफ CO। तो इस हिसाब से अगर आप मोल्स चाहते हैं तो वापस इसमें इसकी वैल्यू डालें, 17.5 को यहाँ प्लेस करने पर डिवाइड बाय 28, आप चेक करके देखिएगा किन में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक आता है, 17.5 डिवाइडेड बाय 28 हो कि ट्राई किया होगा, तो इट शुड बी 0.625 मोल, और इस हिसाब से आपका ये सी ऑप्शन, ठीक, ध्यान से एक बार देख लें, समझ लें, जो भी चीज़ समझने वाली है अच्छे से चेक कर लें दो तीन पॉइंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज टोटल चार्ज कूलॉम्स की टर्म में निकालना है 19 ग्राम फॉस्फेट पे, फॉस्फेट आयन पे, 19 ग्राम फॉस्फेट आयन पे टोटल चार्ज पता करना है कितना कूलॉम है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से किया जाए और कैसे समझा जाए, तो सबसे पहले देखो, मान लो कि मेरे पास ये एक यूनिट है 1 PO4 3- आयन। अब आपको पता एक 3- मतलब एक PO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज है, -3, इसका साफ मतलब होता है कि सर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, अब हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि 3 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक, ध्यान से देखिए, तो एक फॉस्फेट आयन के ऊपर इतना कूलॉम चार्ज, ठीक, तो अगर मैं ये लिखूं एक मोल, कितना मोल, 1 मोल ऑफ PO4 3- कितना, 1 मोल ऑफ PO4 3- इसके ऊपर चार्ज चाहिए मुझे, तो इसके ऊपर चार्ज चाहिए, तो एक मोल का मतलब 6.0022 × 10⁻², आप एक मोल मतलब ये कितने हो गए, ये अब इतने सारे हैं, अब इतने सारे का वेट जो आपका चार्ज होगा वो ऊपर वाले का उतने ही टाइम्स हो जाएगा, जरा चेक करें मैं करके आ रहा हूं, ये एक के ऊपर था, अब ये एक मोल पे है। अब आपको एक और चीज बताएं, एक मोल फॉस्फेट का कुछ तो वेट होगा, हो तो गया, जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे फॉस्फोरस का 31 और यहाँ पे आपका 16 का 4 टाइम्स करके जब निकालेंगे तो 95 ग्राम आएगा। सो दिस इज द मोलर मास, व्हाट मोलर मास ऑफ पीओ
43 माइनस, तो हो गया सिंपल 95 ग्राम, 95 ग्राम ऑफ PO4 3 माइनस हैविंग चार्ज। ठीक है, आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करना कितना आएगा ये ऑलमोस्ट इट्स, मैं सीधे ही पहले तो इतना लिख देता हूँ इसको, थ्राइस इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। तो अब 19 ग्राम पे निकालना है तो भी आपको पता है क्या करना है सर, 19 ग्राम पे निकालने के लिए 6.022 × 10⁻²³ × 3 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइड बाय 95 इंटू में कितना आएगा 19। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो इन दोनों का जो टोटल आएगा 96500, ठीक है 96500 इंटू 3। अब इसे आगे आप जो है कंप्लीट कर दें क्योंकि इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर आप चेक करें कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक, अगर आपका आंसर 5790 कुछ कूलॉम्ब आता है दैट मींस कि आप इस जो लास्ट डेसिमल है इसको आगे लिख सकते हैं और उसको कुछ इस तरीके से भी रिपोर्ट कर सकते हैं तो आपका आंसर इनमें मैच करेगा, इट इज सी ऑप्शन। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट और ठीक से होंगी तो जल्दी से आप निकाल सकते हैं और बाकी आप कॉन्सेप्ट चेक कर लें। तो हमारे सामने ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये एक्चुअली आपके होमवर्क में हैं जो आप सेल्फ ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों का आपको आंसर बताऊंगा अगर आप नहीं कर पाते हैं। आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोग पक्की बातें जरूर करके दिखाएंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत आपने अच्छे से जानकारी ले ली होगी और सीख भी लिया होगा, नेक्स्ट पार्ट जो मेरा मोल कॉन्सेप्ट से आगे आएगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मैं आपको मास परसेंट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मास परसेंट सिखाऊंगा, इसके अलावा हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसके अलावा हम लोग मोलारिटी के सभी पार्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत वाइड टॉपिक होने वाला है, उसके बाद मोलारिटी एंड देन मूविंग टू पार्ट्स पर मिलियन, स्ट्रेंथ और इनके कोरिलेशंस, इनसे रिलेटेड बात करेंगे, साथ ही साथ फिर उसके बाद मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि मोल कॉन्सेप्ट जैसा ही है उससे रिलेटेड, एंड देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ हमारा आने वाले दिनों में आने वाले वीडियोस का कंटेंट होगा। ठीक, उसके बाद और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक, नमस्कार।